सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में हम लोग हीगल के ऊपर बात करने वाले हैं। जे डब्ल्यू एफ हीगल और जॉर्ज विलहेम फ्रेडरिक हीगल, ये काफ़ी फेमस विचारक हुए हैं और जर्मनी के विचारक थे ये। और मैं आपको बता दूं कि हीगल के जो विचार हैं, वहाँ हीगल का राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है वो काफ़ी फेमस है, अमूमन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनकी कुछ बुक्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं, जैसे एक तो साइंस ऑफ लॉजिक काफ़ी फेमस है। साइंस ऑफ लॉजिक जो है काफ़ी फेमस बुक है इनकी, और इसके अलावा जो है द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, तो ये कुछ बुक्स हैं जो काफ़ी फेमस इनकी हैं और मेरे सामने ये आपको पढ़नी चाहिए, यानी इनके नाम याद करने चाहिए। सॉरी, पढ़ने का तो फ़िलहाल अभी कोई ऐसा है नहीं। अब एक चीज़ जो है, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से जो है इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात की, तो मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ हीगल की जो राज्य के सिद्धांत है उत्पत्ति के वही मैं पढ़ाऊंगा। बाकी थोड़ा बहुत आप हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसको थोड़ा सा देख लेना, लेकिन हीगल का जो राज्य संबंधी सिद्धांत है वो काफ़ी फेमस है। और ये इन्होंने जो है अपनी दो किताबों में दिया था, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और एक दिया था फिलॉसफी ऑफ राइट, दो दो बुक थी उसमें इन्होंने दिया था। और हीगल का राज्य संबंधी विचार ये काफ़ी फेमस है और मेरे सामने इसको आप लोगों को देख लेना चाहिए, हीगल का राज्य संबंधी विचार। बेटा इस वीडियो के बाद मैं मार्क्स को पढ़ाऊंगा और मार्क्स में से एक क्वेश्चन 20 नंबर का और एक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, इसलिए मार्क्स को आप लोग बहुत अच्छे से देखना जब मैं पढ़ाऊँ तो। और इसके बाद 3 वीडियो और अपलोड करेंगे अपन, इसके साथ 3 वीडियो, एक तो ये, इसके बाद मार्क्स और इसके बाद प्लेटो, बस इतना ही आज पढ़ाएंगे और मेरे सामने पेपर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, बाकी आप लोग पढ़ ही रखे हैं। देखिए हीगल के राज्य संबंधी विचारों में क्या क्या चीज़ें खास थी। एक तो उन्होंने कहा कि देखो, दो चीज़ें उन्होंने बताई राज्य सिद्धांत से संबंधित, एक तो ये कि राज्य विश्वात्मा का पृथ्वी पर अवतार है, यानी ईश्वर का अवतार है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर का अवतरण है, एक तो इन्होंने ये कहा। अच्छा, दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कही, दूसरी इन्होंने ये कही कि राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है, राज्य का विकास जो हुआ है वो विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है। तो ये दो विचार इनके फेमस थे। अब इनके राज्य संबंधी विचारों को जब आप पढ़ोगे, जिसमें वाद, प्रतिवाद, संवाद, ये द्वंद्वात्मक पद्धति को थोड़ा सा आप अच्छे से देखना, क्योंकि होता क्या है, कई चीज़ें बहुत अच्छे से जब पढ़ते हो ना तब पता लगता है। इसके 3 सोपान होते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मतलब यही होता है कि इसमें 3 चीज़ें जो है निकल करके आती हैं, एक तो वाद, प्रतिवाद और संवाद, और ये तीनों चीज़ें किस प्रकार से कार्य करती हैं। और हर वाद के बाद प्रतिवाद होता है, फिर नया वाद होता है, फिर संवाद होता है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, संघर्ष होता है। और इसके अतिरिक्त इसमें तीनों चीज़ें आती हैं, लॉजिक, नेचर और स्पिरिट। तो ये वाद, प्रतिवाद, संवाद तो आप ज़रूर देखना थोड़ा सा जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हों। मैं यहाँ पर द्वंद्वात्मक पद्धति में एक चीज़ ये और होती है कि संघर्ष ही विकास का आधार होता है और ये स्वतः प्रेरित होता है और इसी के साथ चीज़ें जो है चलती हैं, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा देख लेना। अच्छा, इसके इनके जो राज्य संबंधी विचारों की विशेषताएं क्या थी, ये विशेषताएं आप लोग पॉइंट वाइज याद करना, विशेषताएं हीगल की, ये एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एक तो राज्य दैवीय सत्ता है, राज्य दैवीय सत्ता है, और इसके अतिरिक्त तो राज्य का सावयव रूप, ऑर्गेनिक जो था कि राज्य एक शरीर के अंग की तरह होता है, तो राज्य का सावयव रूप। इसके अतिरिक्त राज्य साधन है, साध्य नहीं, राज्य साध्य है, साधन नहीं। और इसके अलावा जो है राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं होता है, इनके अनुसार राज्य एवं व्यक्ति में कोई विरोध नहीं।
और राज्य को ये सर्वशक्तिमान मानते हैं, तो राज्य क्या है? सर्वशक्तिमान है और राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है। राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है और राज्य का जो अस्तित्व है वो स्वतंत्र है, राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व। तो ये विचार है इनके, और इनको बहुत अच्छे से आप लोग रीड कर लेना। और मेरे सामने यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बनता ही है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हीगल को यहाँ से आप लोग देख लेना। इनकी थोड़ी थोड़ी आलोचनाएं आप देखो, जहाँ भी आप पढ़ोगे ना तो आलोचनाएं आपको लिखनी ही लिखनी है, यदि उसने आलोचनात्मक मूल्यांकन करवाया है तो इसलिए आलोचनात्मक मूल्यांकन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इनकी आलोचनात्मक आलोचना में क्या पॉइंट बन सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। जैसे द्वंद्वात्मक, एक तो अस्पष्ट है, द्वंद्वात्मक पद्धति की जो टर्म्स है ना वो काफ़ी अस्पष्ट है। दूसरा क्या है, राज्य को ईश्वर का मूर्तिमान रूप मानता है, राज्य को ईश्वर के अनुरूप मानता है। और क्या है, निरंकुशतावाद को बढ़ावा देता है, फोर्थ पॉइंट निरंकुशतावाद को बढ़ावा देता है। और व्यक्ति को साधन मानता है, व्यक्ति को क्या मानता है, साधन मानता है, व्यक्ति को साधन, तो वो गलत बात है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता की अवधारणा को ये परतंत्रता में परिवर्तित कर देता है, यानी स्वतंत्रता का विरोधी है एक प्रकार से। और दूसरा ये है कि शक्ति के आदर्शीकरण का दर्शन है और अनुदारवादी दर्शन है और उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करता है। तो ये चीज़ें जो है एक सभ्य समाज में कई बार थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी करती हैं, इस वजह से भी ये थोड़ा सा। अब जितने भी आप यहाँ पर क्वेश्चंस लिखोगे, देखो ये इस तरीके से फ्लो चार्ट बनते हैं, तो आप पॉइंट्स को इस तरीके से लिखना या फिर आप पॉइंट्स को ऐसे करके लिखना। और मैंने ये नहीं कहा है कि आप किसी भी विचारक की चार किताबें रटें, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उनकी फेमस है, मतलब किसी की भी, जैसे मैंने हालांकि हॉब्स पढ़ाया नहीं, लेकिन उसका लेवियाथन फेमस है, तो लेवियाथन आपको उसकी पढ़ मतलब उसका याद करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में आप लोग को रखनी चाहिए। और वीडियो को तो खैर आप लोग अपने हिसाब से शेयर कर ही देना, क्योंकि ये भी अपने आप में एक ज़रूरी चीज़ होती है। और अगला जो वीडियो होगा ना, उसमें हम लोग कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, और कार्ल मार्क्स के ऊपर एक क्वेश्चन मेरे सामने 20 नंबर में आना चाहिए, एक क्वेश्चन 10 नंबर में आना चाहिए, एक क्वेश्चन बेंथम से 20 का आना चाहिए, एक क्वेश्चन बेंथम से 10 का आना चाहिए। तो मैंने कुछ 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 जो बेचारा के उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, एक मैकियावेली को मैंने टारगेट किया है। तो इस तरीके से जो है आप लोग पूरा पेपर कर पाओगे, मुझे लगता है, यदि इतने भी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें से भी यदि पढ़ोगे तो इसलिए मार्क्स को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि शायद उसके माध्यम से आपका जो पेपर होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो कार्ल मार्क्स को अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और आप लोग जो है इस वीडियो को तब तक देखें और उसके बाद मार्क्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।